नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ ये सॉफ्टवेयर क्लास का 9 वीडियो है, सॉफ्टवेयर क्लास का 9वां वीडियो है कि जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ्लैश फाइल जो होती है उस फ्लैश फाइल को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो फ्लैश फाइल। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बताने वाला हूँ ये फ्लैश फाइल के बारे में बताने वाला हूँ। ये क्लास 9 का टॉपिक का वीडियो है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए हमको कुछ रूल्स होता है, उस रूल को फॉलो करना होता है। क्या रूल्स होता है? जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आ गया, उस मोबाइल फ़ोन में लोगो लोगो पर खड़ा है, जैसे MI लिख कर रुक गया, तो पहली चीज़ तो आपके पास ड्राइवर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए फाइल। तीसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए उसका फ्लैश टूल। चौथी चीज़ आपके पास होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए बूट की। पांचवा चीज़ उसका तरीका यानी कॉन्सेप्ट लॉजिक, तब आपके मोबाइल फ़ोन में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कल मैंने आपको ड्राइवर के बारे में बताया था, ड्राइवर के बारे में वीडियो आपको दिया हुआ था। आज मैं आपको फ्लैश फाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाएगा। आप ऐसे कह रहे हैं फ्लैश फाइल को, सही फ्लैश फाइल को पहचानने का तरीका, फ्लैश फाइल क्या चीज़ है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फ्लैश फाइल क्या रहता है? ये हमारे मोबाइल फ़ोन का एक प्रोग्राम है जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाता है। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी फीचर खुल के आते हैं या जो भी सारी चीज़ें खुल करके आती हैं वो ये फ्लैश फाइल ही हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, या इंस्टॉल होती है वही मोबाइल फ़ोन को क्या करती है, ऑपरेट करती है, चलाती है, वही फंक्शन को खोल करके देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्लैश फाइल के बारे में सीखने वाले हैं। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के इस टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। इस कोर्स को सीखने में मात्र 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के अंदर सारे मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से आप सीख जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्लैश फाइल के बारे में समझना चाहते हैं कि फ्लैश फाइल क्या चीज़ है। फ्लैश फाइल जो होता है, इसी फ्लैश फाइल को हम लोग स्टॉक रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक रोम कहते हैं। इसी को हम लोग फर्मवेयर भी कहते हैं। फ्लैश फाइल को हम लोग फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, फर्मवेयर, इन तीनों में से किसी एक नाम से आप जान सकते हैं। फ्लैश फाइल का काम होता है पूरे मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल करना, पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाना, पूरे मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करना। ये सारा काम जिसको रहता है, किसका रहता है? फ्लैश फाइल का रहता है। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल ना हो। अगर मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल नहीं है तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं। तो मोबाइल फ़ोन की मेन चीज़ जो होती है वो हमारा क्या होता है? फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल का मतलब होता है स्टॉक रोम, फर्मवेयर, कुछ भी आप अपने नाम से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं फ्लैश फाइल के बारे में बता रहा हूँ। फ्लैश फाइल क्या रहता है? ये हमारे पूरे मोबाइल फ़ोन का OS होता है। इसको हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। फ्लैश फाइल को क्या करेंगे? गूगल पर जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से बात, MI 5A फ्लैश फाइल, MI 5A फ्लैश फाइल लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फाइल आपके डेस्कटॉप में खुल जाएगी। डेस्कटॉप में खुलने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके अलग अलग कई सारे वर्जन आते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसके कई सारी अलग अलग वेबसाइट आती हैं। जैसे सबसे पहले मोबाइल गुरु 4 वेबसाइट आती है, जहाँ पर आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या रिपेयर माई मोबाइल वेबसाइट आती है जिससे भी आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं। GSM माफिया हो गया, GSM हो गया, इस तरीके से कई सारी वेबसाइट आती हैं। GSM फोरम हो गया, कई सारी वेबसाइट आती हैं जिन वेबसाइट के माध्यम से आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मोबाइल फ़ोन का फ्लैश फाइल अलग अलग टाइप का, अलग अलग कैटेगरी का होता है। उसको डाउनलोड करके हम अपने लैपटॉप में रख लेते हैं, फिर जैसे हम फ्लैश टूल के माध्यम से जब फ्लैश करेंगे तो फ्लैश फाइल को ही हमको फ्लैश करना होता है। तो फ्लैश फाइल, सभी मोबाइल फ़ोन का अलग अलग फ्लैश फाइल आता है। फ्लैश फाइल 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, डिपेंड करता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि आपका मोबाइल फ़ोन का OS कितना बड़ा है या मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज कितना बड़ा है। जितना बड़ा होता है उसी के हिसाब से फ्लैश फाइल आता है। चलिए हम बात करते हैं फ्लैश फाइल को हम डाउनलोड कैसे करेंगे।
फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमने मोजिला खोला। मोजिला खोलने के बाद यहाँ पर हमने टाइप किया मोबाइल गुरु 4। ये देखिए हमारे मोबाइल गुरु 4 है। मोबाइल गुरु 4 वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये मोबाइल गुरु 4 वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। उसके बाद आप जाएंगे फ्लैश फाइल में। देखो सबसे पहले ऑप्शन कंटेंट आता है फ्लैश फाइल का। ये फ्लैश फाइल जो कंटेंट है, इस फ्लैश फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फ्लैश फाइल को ओपन करने के बाद, जैसे आप फ्लैश फाइल को ओपन करेंगे, फ्लैश फाइल को ओपन करने के बाद देखिए ये हमारे जितने भी सारी अलग अलग कंपनी की जो भी सारी फ्लैश फाइल आती है, जैसे MI है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, ये सभी मोबाइल फ़ोन का फाइल आ गया है। आप MI, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईफोन, लिनेवो, इन्फिनिक्स, आईटेल, मोटरोला, टेक्नो, ये सारे अलग अलग मॉडल का हमारा फ्लैश फाइल आ गया है। इस फ्लैश फाइल का हम लोग क्या करेंगे, इनको डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अब आपको बात करता हूँ, सबसे पहली बात क्या है, मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ। जैसे मान लिया MI5 है फाइल, तो हमने MI में गए। MI के बाद जो भी आप MI कंपनी का फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है Redmi 11 4G, Poco M5, बड़ा लाइट, ऐसे इस तरीके से जितना भी सारा फाइल है, ये सारा आपके स्क्रीन पे फ्लैश फाइल आ रहा है। आपको जो भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, फाइल को आप डाउनलोडिंग पे लगा सकते हैं। जैसे मान लिया Redmi 9A है, तो आप Redmi 9A पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसके सामने आपके स्क्रीन पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये Redmi 9A है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, इसके डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल देगा कि ये इसका फाइल का पूरा डिटेल है, 10.0 ग्लोबल वर्जन में है फाइल, ये फ्लैश टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड करने के लिए, देखिए हमारा फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। अगर ये देखिए ये देखिए कह रहा है फाइल को डाउनलोड होने में 6 मिनट 5 मिनट तक का समय लगेगा, 12 MB 13 MBPS की स्पीड आ रही है। तो हम लोग फाइल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे डेस्कटॉप में रखेंगे, मैं ये भी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। तब तक फाइल हमारी डाउनलोडिंग पे लगी है, फाइल डाउनलोड हो रही है। तो इस तरीके से कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, किसी भी मोबाइल फ़ोन की फ्लैश फाइल को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल को डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा टिपिकली नहीं है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया ये वाला, दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करने का तरीका सिखाता हूँ। जैसे मान लिया मैं आगे चला गया, मैंने गूगल पे गए, आप मोबाइल गुरु 4 पे ना जाइए, आप सीधे जाइए यहाँ पर लिखिए जैसे सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, जैसे रिपेयर माई मोबाइल करके हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारा फाइल खुल गया है। ये हमारा अलग अलग तरह का फाइल आएगा, जो भी लेटेस्ट फाइल आएगा उस लेटेस्ट फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए डाउनलोड करने का लिंक दे रहा है, कह रहा है भाई देखो फाइल को डाउनलोड करेंगे तो 1.0.6 GB का फाइल है, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले से ही एक फाइल डाउनलोडिंग पे लगा कर रखा हुआ है, तो हम लोग पहले उसका वेट करेंगे कि भाई पहले वो डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो जाने के बाद तभी हम इसको डाउनलोडिंग पे लगाएंगे, नहीं तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फाइल प्रॉपर तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के फ्लैश फाइल को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इससे आप कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, MI है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, सैमसंग है, टेक्नो है, लावा है, कार्बन है, आईफोन है, कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, किसी भी मोबाइल फ़ोन की फाइल को, सॉफ्टवेयर को, OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए फ्लैश फाइल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, फ्लैश फाइल को हमको ज़रूरत इसलिए पड़ती है यदि हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग हो रहा है, लोगों पे खड़ा है, करप्ट हो गई फाइल, कोई मैसेज आ रहा है, सेट ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, कभी मोबाइल फ़ोन चल रहा है, कभी मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा है, इस तरीके से बहुत सारी वेरियस अगर ऐसी हमारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उस कंडीशन पर हम
उस कंडीशन पर हम मोबाइल फ़ोन को फ्लैश फाइल के माध्यम से फ्लैश कर देते हैं। फ्लैश करने से हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जो होती हैं ठीक हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो फ्लैश फाइल डालना ही सोल्यूशन है कि फ्लैशिंग करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लैश फाइल के बारे में बताया कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल आती है, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, या टेक्निकली चीज़ों के बारे में आप रुझान करते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सर आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी मोबाइल फ़ोन की चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है। इससे रहता है कि आप किसी भी चीज़ को बारे में अच्छे समझते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और पूरा पूर्णतया से प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट भी जो ज्वाइन करते हैं जो सर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, उन्होंने आज तक मोबाइल फ़ोन का समझ लीजिए एम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं। या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके गए हुए हैं और मोबाइल फ़ोन के लाइन में बिल्कुल जीरो थे, आज मोबाइल फ़ोन के लाइन में हीरो बन के गए हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान को चला रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिस बच्चे ने आज तक कभी आयरन नहीं पकड़ा, कहते हैं ना जब ऐसे स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा तो कभी कॉपी पेन नहीं पकड़ा, कभी किसी चीज़ के बारे में समझा नहीं, लेकिन फिर भी जाता तो वहाँ पर एक एक करके सब चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती है, सिखाया जाता है। उसी तरीके से मेरे पास बिल्कुल जीरो लेवल का पर्सन जो भी आता है वो आकर के सीख के जा सकता है। अब देखिए सर, कह रहे हैं सर आप ये बातें क्यों बता रहे हैं, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग उतना दूर से उतना विश्वास के साथ में हमारे साथ आते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, ट्रेनिंग के लिए हमसे संपर्क करते हो, आकर के क्लास को ज्वाइन करते हो, तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपके साथ में ना सीखने का कोई कभी कॉलम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ट्रेनिंग होने वाली है, ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको सिखाया जाएगा ताकि भविष्य में कभी काम करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे सर इस लाइन में ट्रेनिंग दे देते थे 17 साल तो ऊपर हो गया, आज हर एक बच्चा आता है मेरे ऑब्जर्वेशन में सीख करके जाता है, एक एक चीज़ों को हम लोग सिखा करके भेजते हैं। मैंने आपसे 45 दिन का समय मांगा ना, तो 45 दिन के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर सारी चीज़ों को आपको सिखा के ही भेजूंगा। यहाँ पर जो क्लास का जो शेड्यूल रहता है, फुल डे का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है, कि जो ऐसे बाहर से बच्चे आते हैं उनका फुल डे ट्रेनिंग रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलता है। जब फुल डे क्लास चलता है तो फुल डे क्लास चलने में उनको फ़ायदा ये रहता है कि वो कोर्स को जल्दी सीख जाते हैं, मतलब उनको कोर्स को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोर्स को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और सीखने के साथ साथ उनको एक एक करके विद प्रैक्टिकल करते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मार्केट भी है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी बनने के लिए आते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन जब सीख जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन को बनाते भी हैं, मोबाइल फ़ोन बनाने के साथ साथ अपना काम भी करते हैं ताकि उनको तरीका भी पता चले, प्रैक्टिकली जानकारी भी मिले। 2-4-10 मोबाइल फ़ोन हमारे पास सारे स्टूडेंट सीख करके जाते हैं, बना करके जाते हैं ताकि उनको आइडिया हो सके कि देखो सर मैंने काम सीखा हुआ है, मुझे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय पर मेरे पास अभी सारे बैच फाइनल हो चुके हैं, अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से अभी नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, दूसरा बैच है 10 से 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरे पास एक लोग बिहार के गोरखपुर से बहुत आगे से रहने वाले हैं, चंपारण के रहने वाले हैं, उनका नाम है छोटे लाल। आज उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स को ज्वाइन किया है। उन्होंने कोर्स के ज्वाइन करने के लिए सर मुझे बताया, अपनी सारी समस्याओं को समझाया। उन्होंने बताया कि सर मैं 4-5 साल हो गया, 4-5 साल मैं नोएडा जॉब करता था, दिल्ली जॉब करने के बाद घर से आना जाना लगा रहता था, लेकिन आने जाने के साथ में परेशानी ये होती थी कि हम जब तक तो वहाँ पर काम करते थे तब तक तो भाई हम हीरो थे, एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद जब हम काम छोड़ करके अपने घर पे आए तो फिर हम जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए? क्योंकि भाई हमको वहाँ तो हमको 18,000 रुपये मिलता है, खाते पीते थे 10-12,000 रुपये बच जाता था, लेकिन जब घर में आ जाते थे तो वो सब छुट्टी में काउंट होने लगता था, यहाँ कुछ पैसा ही नहीं मिलता था, घर में हम कम से कम 15-20 दिन हो गए, महीने भर बैठे बैठे हो गए। तो आज सर समझ लीजिए उन्होंने अपने मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, आज उनका पहला फर्स्ट डे क्लास हुआ है। मैं उनके साथ में आपको फ़ोटो वगैरह भी शेयर कर दूंगा,
तो आज उनका फर्स्ट डे क्लास किया है, उन्होंने मुझे बताया है, मैंने उनका कांटेक्ट नंबर लेना बोला कि घर का भी नंबर दे दीजिए, तो घर में भी तुम कोई दिक्कत होगी तुमको फ़ोन करेंगे जानकारी नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर आप घर में मत फ़ोन करिएगा, मैं समझ ये चुपके से सीखने के लिए आया हूँ। ऐसा इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि वो चाहते हैं कि ये नहीं कि मतलब वो चुपके से आएँ, चुपके का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को सीख जाऊँ आज, क्योंकि उनको 4 साल हो गया नौकरी करते करते, 4 साल के नौकरी के बाद भी उनको रिजल्ट बहुत कम है, रिजल्ट बहुत कम है, कम का मतलब क्या ना के बराबर है, 0 है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा मेरी लाइफ में कब तक चलता रहेगा, फैमिली भी है, सब चीज़ों को देखना है, आना जाना लगा रहेगा, इससे हमारी ज़िंदगी परेशान होती रहेगी और हम भी परेशान होते रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भाई 40-45 दिन का समय दे करके काम ही सीख लेता हूँ, काम सीखने के बाद फिर आराम से अपना टेंशन फ्री होकर बिजनेस करूँगा और डेली का 1,500 रुपये या इससे भी कई गुना ज़्यादा आप आराम से इनकम कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हर फील्ड में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ना हो या मोबाइल फ़ोन की डिमांड ना हो, और अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो लोग फेंक नहीं देते, उसको ठीक कराते हैं, ठीक कराने के बाद ही उसको चलाते हैं, जब बिल्कुल बेकार हो गया तभी फेंकते हैं, इनको बिल्कुल उसको हर हालत में फ़ोन रिपेयर कराएंगे और आप रिपेयर करेंगे, आपका स्कोप है, आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा और आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लैश फाइल के बारे में बताया कि फ्लैश फाइल देखिए हमारी डाउनलोड भी हो रही है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप लोग इस तरीके से किसी भी मोबाइल फ़ोन की कोई भी फाइल होती है उस फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने लैपटॉप है, अपने डेस्कटॉप है, अपने स्क्रीन पर रख सकते हैं और उसके माध्यम से किसी भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको फ्लैश फाइल के बारे में बताया हुआ है, फ्लैश फाइल है, स्टॉक रोम है, फर्मवेयर एक ही बात है, मोबाइल फ़ोन का उसको OS नाम से उसको बोला जाता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ट्रेनिंग के लिए, सिखाने के लिए, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, चैनल को शेयर करिए, हौसला अफजाई करिए, ताकि आप भी हमें मैसेज करते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहता हूँ या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ या ये काम कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, और 6391711711 कॉल करने के बाद आप सारी समस्याओं का अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।